हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी वाइवा में आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के बारे में। दोस्तों, आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर, ठीक है। और ये हमारा आप देख सकते हैं हमारा 7 नवंबर 2009 AM वाली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, एक 9 AM वाला और एक 3 PM वाली शिफ्ट का। तो ये हमारा पहला शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमको 25 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक्निकल के आते हैं और 75 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के आते हैं, ठीक है। तो हम जो डिस्कस करने वाले सबसे पहले वो हमारे नॉन टेक्निकल के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज खिलाड़ी थे, दूसरे कौन थे। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, देवेंद्र बरुआ, रोहिणी खाडेलकर, सैमुअल अरोन, प्रशांत रेड्डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंदु बरुआ, ठीक है। फर्स्ट विश्वनाथ आनंद और सेकंड पे देवेंदु बरुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साहित्य अकादमी मुख्यालय स्थित है, चेन्नई, कोलकाता, पटना, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, वाराणसी। दोस्तों, करेक्ट आंसर वाराणसी। इसके अलावा आप तीन जगह पर हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन में आपका कुंभ के मेला भरता है। अगला हमारा, 1981 मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, उज्जैन में, इंदौर में, कटनी में, भोपाल में। करेक्ट आंसर भोपाल में, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा, 2016 में भारत के किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी, खजुराहो ने, ताजमहल ने, राजस्थान के हिल फोर्ट्स, आगरा फोर्ट। करेक्ट आंसर खजुराहो। अगला हमारा, निम्न में से किस शहर में इंक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट 2016 आयोजित की गई है, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल। करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपको, भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2017 के लिए विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला है, विशाल नई, एयरलिफ्ट, तिथि सुल्तान। करेक्ट आंसर विशाल नई को। अगला है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी हुआ यूवी कैन फाउंडेशन की शुरुआत करी, लॉन्स आर्मस्ट्रांग, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, योगेश्वर दत्त। करेक्ट आंसर युवराज सिंह ने। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है, होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी, छिंदवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उज्जैन। फिर नेक्स्ट है आपका, रक्त के जमने के लिए में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है, विटामिन के, ए, सी या फिर बी। करेक्ट आंसर है विटामिन की, जो कि आपका ब्लड जमने में आपकी हेल्प करता है आपकी बॉडी में। फिर नेक्स्ट है आपका, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, दोस्तों तो आपको पता ही होगा 24 तीलियाँ। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पहचाने, पट्टा सीतारामैया, पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर दयाल शर्मा, कुंजीलाल दुबे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पट्टा भी सीतारामैया, जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। और दोस्तों, अभी करंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल की हम बात करें तो वो हमारे लालजी टंडन। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती, चंबल, महानदी, नर्मदा, कावेरी। करेक्ट आंसर कावेरी। अगला है आपका, भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है, भील, गौण, बैगा, सहारिया। करेक्ट आंसर भील। अगला हमारे, किससे हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, एम एन कपूर, ओ पी सिंह, पी सी ठाकुर, सुधीर प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर सुधीर प्रताप सिंह। और दोस्तों, हाल ही में अगर हम अभी करंट की बात करें तो करंट में हमारे एनएसजी के महानिदेशक हैं आपके अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, यूपी, सीजी, महाराष्ट्र, गुजरात से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम से, मेघालय, उत्तराखंड, गुजरात से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी,
ठीक है, गुजरात छत्तीसगढ़ से। अगला है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम बताएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे, सितंबर 2016 में किस शहर ने अपने में खास बाल कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया। बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, आगरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आगरा ने। नेक्स्ट, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। केरल में पल्ली वासल, तमिलनाडु में पैकारा, आंध्र प्रदेश में निजामनगर, कर्नाटक में शिवना समुद्र, कर्नाटक में शिवना समुद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, आपका निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क का भारत में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, हजारीबाग झारखंड या फिर कान्हा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट, आपको मध्य प्रदेश सरकार के ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभिषेक बच्चन, संजीत तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर। करेक्ट आंसर माधुरी दीक्षित। मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। 101 108 181 139। करेक्ट आंसर 181। अगला हमारा, मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है। आँख, कान, नाक, दिमाग। करेक्ट आंसर आपका दिमाग में आपका हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है। 24 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रीय जली जंतु कौन सा है। व्हेल, रिवर डॉल्फिन, गोल्ड फिश, मगरमच्छ। करेक्ट आंसर रिवर डॉल्फिन। और दोस्तों नॉन टेक्निकल का हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग है सफ़ेद, हल्का नीला, लाल, नीला तथा सफ़ेद, नेवी ब्लू। करेक्ट आंसर हल्का नीला। दोस्तों यहाँ पर हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चंस। दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के पहला क्वेश्चन। बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है N2S, CO2, SO2 या फिर Cl2। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट हमारा, 5 HP सकवायरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा। DOL स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर DOL स्टार्टर। अगला हमारा, AC को किसके द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है। अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है AC को DC में कन्वर्ट। नेक्स्ट है आपका, स्क्वायर थ्रेड्स का उपयोग तब किया जाता है जब हल्के भार शामिल हो, मध्यम भार शामिल हो, भारी भार शामिल हो या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा भारी भार शामिल हो। अगला हमारा, UJT के लिए निम्न में से कौन सा कठिन सत्य है। UJT को धीरे धीरे ऑन किया जाता है। UJT NPN ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करता है। VVV को शून्य तक घटा के UJT को ऑफ किया जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा VVV को शून्य तक घटा के UJT को ऑफ किया जाता है। 6 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो खालिस्तान के द्वारा निरूपित किया जाता है। N2/N1, V2/V1, 11 I1/I2, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त कोर्क स्क्रू नियम, दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कोर्क स्क्रू नियम दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला दोनों। 8 क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी परिपथों के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है। अभ्रक, वायु, विद्युत अपघटनी, उपरोक्त में से कौन नहीं। करेक्ट आंसर अभ्रक संधारित्र। नेक्स्ट है, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है। लोहा, एल्यूमिनियम और पीतल, लोहा, तांबा और निकल, लोहा, कोबाल्ट और जस्ता, निकल, कोबाल्ट और इस्पात। करेक्ट आंसर निकल, कोबाल्ट और इस्पात।
फिर नेक्स्ट है आपका पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होना चाहिए 1280, 1160, 1270, 1780। करेक्ट आंसर 1280। नेक्स्ट एनर्जी मोटर है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, गुड इंस्ट्रूमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा गया हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका R1 + R2 + R3 = RA। कब होता है? जब आप इसे श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ते हैं, और दोस्तों जब आप इसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके हम लिखते हैं। नेक्स्ट आपका, इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उसमें शक्ति संयंत्र, द्रव चालित शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति या फिर डीजल शक्ति। करेक्ट है डीजल शक्ति संयंत्र में। नेक्स्ट आपका डबल सर्किट प्रेषण लाइन में होंगे चार चालक जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल है, छह चालक जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल है या फिर सात चालक जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सात चालक जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल है। नेक्स्ट आपका स्टैटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को निम्न एसी मशीन में काम लाया जाता है, जनरेटर, ऑल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। 16 क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में खालिस्तान के उपयोग के द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्यूज, तार, कनेक्टर्स। करेक्ट आंसर कॉन्ट्रैक्टर्स। अगला आपका, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा या फिर अनचेंज रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर बढ़ेगा। 18 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है डीसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। अब नेक्स्ट है आपका, जब थ्री फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा फील्ड एक्सेस के साथ 90 डिग्री पर, फील्ड एक्सेस के साथ 45 डिग्री पर, फील्ड के एक्सेस के समानांतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फील्ड एक्सेस के साथ 90 डिग्री पर। नेक्स्ट आपका, एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा खालिस्तान के द्वारा मापी जाती है, सॉरी दी जाती है, मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, राइट हैंड ग्रिप थंब नियम या फिर फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। करेक्ट आंसर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के द्वारा ये चीज़ शो की जाती है। नेक्स्ट है आपका, अर्थिंग खालिस्तान के लिए आवश्यक, मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा, मशीन की वायरिंग, पक्षियों करंट से बचाने, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा। अगला है, एक परिनालिका में उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए या फिर चौड़ाई लंबाई से बड़ी होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डीसी वोल्टेज की ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाएगा, एमसी टाइप, एमआई टाइप, विद्युत गतिकीय टाइप, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एमसी टाइप। 24 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका, यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो इसे निम्न गति पर घूमना चाहिए, 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 500 या फिर 250 आरपीएम। करेक्ट आंसर 500 आरपीएम। अगला, धारिता की इकाइयां हैं फैरड और धारिता प्रतिघात की इकाइयां हैं फैरड, ओम, ओम फैरड, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ओम। अगला, प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है फॉरवर्ड बाइस्ड में, अनबाइस्ड में, रिवर्स बाइस्ड में, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फॉरवर्ड बाइस्ड में। नेक्स्ट आपका, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य है हंटिंग प्रभाव को कम करना, मोटर को चालू रखना, मोटर को बंद करना, हंटिंग प्रभाव को कम करना और मोटर को चालू रखना। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हंटिंग प्रभाव को कम करना और मोटर को चालू रखना। नेक्स्ट,
डीसी मशीन में इंटरपोल्स खाली स्थान में जुड़े होते हैं शंट फील्ड्स के साथ श्रेणी क्रम में, सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में, सीरीज फील्ड के साथ समांतर क्रम में, या फिर आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में। करेक्ट आंसर सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है आपका बिजली की चोरी से बचने के लिए यह पूर्व उपाय लिया जाता है, ऊर्जा मीटर गति को सील करना, ऊर्जा मीटर टर्मिनलों को सील करना, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज उपबंधित करना, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 30 हमारा ट्रांसफार्मर की ब्रीडर में सिलिका जेल का काम होता है, ट्रांसफार्मर में धूल को प्रवेश करने से रोकना, ट्रांसफार्मर नमी को प्रवेश करने से रोकना, तेल का स्तर बनाए रखना, या फिर तेल का ओवरफ्लो रोकना। करेक्ट आंसर ट्रांसफार्मर नमी को क्या है प्रवेश करने से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर होती है बराबर नहीं होती, परिवेशी स्थितियों पर निर्भर करती है, समय समय का विविधता हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका अर्ध चालक सामग्रियों की चालकता इंसुलेटर चालक के बीच में रहती है, शुद्ध इंसुलेटर होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है, पूर्ण चालक होती है, इंसुलेटर चालक के बीच में रहती है। ये आपका करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन आपका ब्रेसेज की बेडिंग का कार्य अर्थ होता है, ब्रेसेज को मशीन में लगाना, कंप्यूटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना, या फिर ब्रेसेज का मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन के साथ संरेखा, ब्रेसेज के साथ तनाव का समायोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन आपका थ्री फेज एसी परिपथ के स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के 3 गुने √3 के बराबर, फेज वोल्टेज की √3 के बराबर होता है, या फिर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होते हैं, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के 3 गुना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 के बराबर होता है। नेक्स्ट 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाती है, विद्युत रोधी है, साइकिल पिन डिस्क उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर साइकिल। 36 है आपका डायोड के उपयोग के द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, 1 डायोड 2 डायोड 3 डायोड या फिर 4 डायोड। करेक्ट आंसर 4 डायोड की। 37 मोटरें इसमें मूल्यांकित की जाती हैं, केवीए में, एचपी में, केवीएआर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों एचपी हॉर्स पावर में। नेक्स्ट आपको बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि है, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि, समांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि, या फिर इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व में वृद्धि, प्लेट्स के आकार में वृद्धि। करेक्ट आंसर समांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट आपका एक एसी में श्रेणी परिपथ वोल्टेज वी तथा आई को कोण फाई से लीड करती है, शक्ति गुणांक है कोण का केवल फाई, कोण का साइन फाई, कोण का कॉस फाई, कोण का टेन फाई। करेक्ट आंसर कोण का कॉस फाई। अगला आपका एक प्रेरणीय मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि खींचने वाले बल आघूर्ण को बढ़ाती है, आरंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाती है, भार बल आघूर्ण को बढ़ाती है, या फिर उपरोक्त में से किसी को भी नहीं बढ़ाती है। करेक्ट आंसर होगा आपका आरंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन 104 ध्रुवों और 50 CS आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर है, इस पर दौड़ेगी 400 पे, 1500 पे, या फिर 1550 RPM पे, या फिर 1600 RPM में। करेक्ट आंसर 1500 RPM में। नेक्स्ट है आपका पारस्परिक प्रेरकत्व का सिद्धांत खालिस्तान प्रयुक्त होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में, सिंक्रोनस मोटर्स में, डीसी मोटर्स में, डीसी जनरेटर्स में। करेक्ट आंसर ट्रांसफॉर्मर्स में। नेक्स्ट घूर्णी परिवर्तित, इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, ए एंड बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए एंड बी दोनों को। अगला है आपका
स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है तीन फेज प्रेरण मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए, डीसी श्रेणी मोटर के लिए या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर तीन फेज प्रेरण मोटर के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टेयर केस लाइटिंग के लिए सिंगल पोल सिंगल वे स्विच का उपयोग किया जाता है, सिंगल पोल टू वे स्विच का उपयोग या फिर टू पोल सिंगल वे स्विच या फिर टू पोल वे स्विच टू वे का स्विच किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल पोल टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला है चल कुंडली वोल्ट मीटर इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है एसी आपूर्ति डीसी आपूर्ति एसी प्लस डीसी उपयुक्त में से कोई नहीं करता है डीसी आपूर्ति के लिए। नेक्स्ट है आपका डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक हानियां मुख्यतः इसका फलन होती हैं वोल्टेज धारा चाल उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर चाल। अगला है आपका ए प्लस बी इक्वल वाई इसका बूलिए फलन आपको निकालना है एंड गेट या फिर एन ए एंड गेट या फिर एन ओ आर गेट या फिर और गेट। करेक्ट आंसर आप हो जाएगा और गेट। 49 क्वेश्चन घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयुक्त किए जाते हैं श्रेणी समांतर श्रेणी असमांतर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल यानी समांतर में। नेक्स्ट आपका कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है उसमें नाभिकीय ध्वजा या रेडियल। करेक्ट आंसर नाभिकीय। अगला आपका तुल्यकालिक मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है चाल को बढ़ाने में वोल्टेज को बढ़ाने में शक्ति गुणांक को बढ़ाने में भार को बढ़ाने में शक्ति गुणांक को बढ़ाने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शक्ति गुणांक को बढ़ाने में। नेक्स्ट बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा तांबा एल्यूमिनियम उपरोक्त में सभी। करेक्ट आंसर कॉपर जो आपका सबसे अच्छा चालक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा इसके द्वारा दी जाती है पहली उंगली पहला अंगूठा बीच की उंगली उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बीच की उंगली के द्वारा। अगला आपका समान बल आघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर को पी एफ तीन फेज मोटर की तुलना में होगा समान कम ज़्यादा निश्चित नहीं है कम आपका। करेक्ट आंसर। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग खाली स्थान के मापन के लिए किया जाता है इम्पीडेंस के लिए इंडक्टेंस के लिए रेजिस्टेंस के लिए या फिर कैपेसिटर के लिए यानी कैपेसिटेंस जैसे बोलते धारिता हम बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। 56 क्वेश्चन एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तापीय प्रभाव में रासायनिक प्रभाव में चुंबकीय प्रभाव में उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका शक्ति मापने की दो वॉट मीटर विधि में एक वॉट मीटर की रीडिंग शून्य देखी जाएगी यदि भार का पीएफ है 0.5 लैगिंग 0.8 लैगिंग 0.4 लैगिंग उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 0.5 लैगिंग। अगला है आपका थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट खालिस्तान के लिए अर्थ किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए उपकरण की बॉडी से करंट के लीकेज से सुरक्षा के लिए फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए या फिर अंडर वोल्टेज सुरक्षा के लिए। करेक्ट आंसर फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए। ट्रांसफार्मर का नियमन खालिस्तान निर्भर करता है लोड के परसेंट पर लोड के पावर फैक्टर पर लोड की क्षमता पर लोड का नियमन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। करेक्ट आंसर लोड के पावर फैक्टर पर। अगला आपका डीसी मशीन की आर्मेचर कोर खालिस्तान की बनी होती है लेमिनेशन ठोस सामग्री फोर्ज्ड मटेरियल या फिर एल्यूमिनियम सामग्री। करेक्ट आंसर लेमिनेशन। 61 क्वेश्चन है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल टाइप के मीटर के उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है डीसी तथा एसी मापनों के लिए केवल डीसी राशियों के मापन के लिए केवल एसी राशियों के मापन के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी तथा एसी मापनों के लिए। अगला है आपका टंगस्टन तंतु लैंप इससे भरे होते हैं हीलियम या ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस कार्बन या हाइड्रोजन उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस। दोस्तों यहाँ पर टंगस्टन तंतु आप जानते होंगे आपका जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब उसमें जो हल्का सा पतला से वायर होता है उसे हम बोलते हैं तंतु जो कि फाइबर ठीक है जो कि हमारा
फिलामेंट बोलते हैं जो हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है, इसके अंदर गैस होती है नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस। नेक्स्ट आपका 10 ओम के प्रतिरोधों को समानता क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन को एक अन्य 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों इसमें आपके दो फॉर्मूले लगेंगे, एक आपका पैरेलल वाला और एक आपका सीरीज वाला, ठीक है, जिससे आपका करेक्ट आंसर 15 ओम आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पोर्सिलिन विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है जिसमें पानी आसानी से नीचे फैसले सुधारने के लिए गैसों और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर गैस और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए। 65 क्वेश्चन, एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर निकालना है, लैंगिक करंट, लीडिंग करंट, करंट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर लीडिंग करंट। नेक्स्ट है आपका, यदि ट्रांसफार्मर और रेडिएटर ट्यूब्स के माध्यम से वायु प्रतिरोध करने वाले पंख के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है, नेम प्लेट में हो सकता है ONAN, OFAF, ONAF, OFAN, करेक्ट आंसर ONAF। नेक्स्ट है आपका, बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगाना चाहिए? ग्रीस, पानी, दूध, सरसों का तेल, करेक्ट आंसर ग्रीस। अगला आपका मेगर, इसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पृथ्वी का प्रतिरोध, विद्युत रोधी का प्रतिरोध या फिर विद्युत रोधी की ब्रेकडाउन वोल्टेज, उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। अगला है आपका, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में होता है, ठोस छड़ें होती हैं, ठोस पट्टियाँ या फिर रेगुलेटर, तीन फेज वायरिंग दोनों सिरों पर खुली होती हैं, रेगुलर तीन फेज वायरिंग स्टार में जुड़ी होती है, करेक्ट आंसर आपका वो रेगुलर थ्री फेज वायरिंग स्टार में जुड़ी होती है। अगला है आपका, 5S में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम है, उत्पादन कार्यों में, सुरक्षा कार्यों में, हाउस कीपिंग संबंधी कार्यों में, इलेक्ट्रिकल उत्पादन में, करेक्ट आंसर हाउस कीपिंग संबंधी कार्यों में। 71 क्वेश्चन, किसे डीसी मोटर में स्व लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है? शंट मोटर में, श्रेणी मोटर में या फिर अंतर होतक विधि, संयुक्त मोटर, संचित रूप में संयुक्त मोटर, करेक्ट आंसर उस टॉप का हो जाएगा अंतर होतक विधि संयुक्त मोटर। फिर नेक्स्ट है आपका, जब सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग दिखने में होता है पीला, लाल, सफ़ेद, हरा, करेक्ट आंसर लाल। अगला आपका, अर्ध तरंग दृष्टिकृत धारा का RMS का 10 एम्पियर है, पूर्ण तरंग दृष्टिकृत धारा के लिए इसका मान होगा 15 एम्पियर, 14.14 एम्पियर, 10/π, 20/π, करेक्ट आंसर 14.14 एम्पियर। अगला है आपका, ओम का नियम किसके मध्य संबंध दर्शाता है? शक्ति ऊर्जा तथा वोल्टेज, शक्ति ऊर्जा तथा धारा दिया गया वोल्टेज भार का प्रतिरोध तथा धारा ऊष्मा विभवांतर तथा ऊर्जा, करेक्ट आंसर होगा आपका दिया गया वोल्टेज भार का प्रतिरोध तथा धारा, इसका आपका फॉर्मूला ऐसा होता है दोस्तों V=IR, ठीक है, जिसमें V आपका वोल्टेज हो जाता है, I आपका हो जाता है क्या, I आपका धारा कहला जाएगा, ठीक है, और आपका R कहलाएगा रेजिस्टेंस। वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घेरे गए धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार इनके द्वारा हुआ है, ऑस्ट्रेड, फैराडे, हेनरी लेंच, करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेड। तो दोस्तों हमने हमारे टेक्निकल एग्जाम का जो पार्ट होता है इसमें, इसके हमने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ, मतलब कि इसका जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।